अशोक सूरजपुर से हमारे अगले कॉलर, पूछिए। अशोक आपको आवाज आ रही हो तो पूछिए प्लीज जल्दी से, दूसरे कॉलर से इंतजार कर रहे हैं। हाँ, मेरा ये सवाल है, एक ही सवाल में मेरे दो सवाल है। अगर किसी को कोरोना हुआ है तो उसने वैक्सीन नहीं लगवाई, वो कब वैक्सीन लगवा सकता है? नंबर टू, तो अगर किसी ने पहली वैक्सीन लगवाई है तो उसको कोरोना हो गया है तो वो सेकंड डोज कब लगवा सकता है? डॉक्टर नीलम मोहन जी, पहला चीज कि अगर आपको कोरोना हो चुका है तो जब आपके सिम्टम्स खत्म हो जाएंगे उसके दो हफ्ते बाद आप वैक्सीन लगा सकते हैं। और दूसरा सवाल, अगर आपने पहली वैक्सीन लगाई है, आजकल थोड़ी सी शॉर्टेज है, हो सकता है आपको रजिस्ट्रेशन में मुश्किल पड़ रही है, तो 4 हफ्ते के बाद, आप 4-10 गवर्नमेंट कहती थी लेकिन अब हम 4-12 हफ्ते कह रहे हैं, आप विद इन 12 वीक्स ऑफ द फर्स्ट डोज सेकेंड लगा सकते हैं। जी, विकास दिल्ली से अगले कॉलर। राइट मैम, सॉरी आई इंटरजेक्टेड, मुझे लगा आप जवाब पूरा हो गया है। विकास दिल्ली से अगले कॉलर। एक्चुअली मुझे 10 दिनों तक फीवर और जुकाम था तो मैंने कोरोना टेस्ट तो नहीं कराया, लेकिन फिर अब वीकनेस आ गया, मतलब मैं सही हो चुका हूँ, वीकनेस आ चुका है। बस ये पूछना कि क्या मैं फ्रूट जूस वगैरह ले सकता हूँ, क्योंकि खांसी अभी है ही हल्की हल्की। डॉक्टर श्याम, क्या इसके बाद ये ख्याल रखना है, क्योंकि खांसी होती है, कि फ्रूट जूस जो थोड़ा सा खट्टा और ठंडा हो सकता है वो ले सकते हैं या नहीं? देखिए, एलोपैथी में यही कहते हैं कि हमारी साइंस में कोई खास रुकावट नहीं है, लेकिन अगर कोई चीज से इनको खांसी बढ़ती है तो वो कृपया ना लें, और ज्यादा तो गर्म चीजों का सेवन करें। और जैसे कि डॉक्टर नीलम मोहन ने बताया, तो इनको अपने ब्लड टेस्ट कराने चाहिए जिसमें डी डाइमर, इंटरल्यूकिन 6 और CRP लेवल करके देखना चाहिए, क्योंकि फिर भी कोरोना हो सकता है, क्योंकि 10 दिन हो गए हैं। आजकल हम पेशेंट्स देख रहे हैं जो कि 12-13 दिन तक उनको बुखार चलते जाती है, और आई थिंक अगर जरूरत है तो उसकी इंटरवेंशन उन ब्लड रिपोर्ट्स के आधार पे की जा सकती है। तो वायरस अपना लाइफ साइकिल 14 दिनों में एनीवेज पूरा करता है सर, या उससे लंबा भी हो सकता है इसका जीवन? आता हूं डॉक्टर नीलम, मैं आपके पास लौट रहा हूं, लेकिन पहले इन कॉलर को ले लेता हूं। भूपेंद्र है हमारे साथ मध्य प्रदेश से। भूपेंद्र, पूछिए अपना सवाल। मेरे को एक जानकारी लेनी थी सर, कि जैसे बुखार एक दिन आया था, उसकी टेबलेट ली, वैसी नॉर्मल तो सही हो गया, लेकिन अब थोड़ा सा स्मेल नहीं आ रही है, मतलब कुछ खाने में स्वाद नहीं आ रहा, तो क्या टेस्ट कराना चाहिए कि वैसे? डॉक्टर नीलम, आपको टेस्ट कराना है, आपको कोरोना ही है, और अगर आप टेस्ट नहीं कराएंगे तो आप अपने आप को दूसरों के साथ रखेंगे, जितना भी आपका घर है आपको अपने आप को आइसोलेट करना है, चाहे वो बच्चे हो, बीवी हो, माँ बाप हो, उनको अलग कमरे में रखना है, आप अलग रहेंगे, और आपका खाना पीना अलग, आपके वॉश, आपके कपड़े, आपको खुद को अपने आप को धोना है, अलग से रहना है, वरना आप दूसरों को दे देंगे। पूरे पूरे कंट्री में यही मुसीबत हो रही है, क्योंकि लोग को लग रहा है नहीं मुझे कुछ नहीं हो रहा, ये वायरस की विरुलेंस बहुत हाई है, पिछले टाइम इतना स्प्रेड नहीं हो रही, ये टाइम सारा का सारा खानदान आ जा रहा है बिकॉज प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं। तो आप अपने आप को कोविड ही माने, और अगर आप टेस्ट कराएं नहीं कराएं आपका कोरोना, आप अलग से अपने आप को आइसोलेट करें, और अगर आपको कोई भी रिस्क फैक्टर हो, दिस मीन्स हाइपरटेंशन मोर देन 50 इयर्स, डायबिटीज या ओबेसिटी, मोटापा, ऐसे कोई भी प्रॉब्लम, या कोई लिवर किडनी डिजीज हो, तो आपको रिस्क बढ़ जाता है बेस्ड ऑन द ब्लड रिपोर्ट। सेकेंड वीक पे हो सकता है आपको कोई स्टीरॉइड्स का कोई इलाज करने के लिए दिया जाए, तो आप अपने आप को इग्नोर ना करें और मान के चले आपको है और सबसे अलग हो जाए। तो टेस्ट तो फौरन कराइए और फौरन ही अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए। पूनम राजस्थान से। हाँ जी नमस्कार। हाँ पूछिए सवाल। सर मेरा ये सवाल है कि जैसे वैक्सीन कोवैक्सीन है और कोविशील्ड है और एक स्पुतनिक भी आ गई, तो सर क्या इन सब वैक्सीन की डोज लेना जरूरी है या फिर एक ही वैक्सीन है? डॉक्टर साहब, क्या अपने आप को सुरक्षित करने के लिए लोग सब लगवा लें या एक कोई लगवाएं? डॉक्टर अग्रवाल, एक व्यक्ति को आज की डेट में एक ही वैक्सीन लगवानी है, दो डोजेस लगवानी है सेम वैक्सीन की, करंट गाइडलाइंस यही कहती हैं, और कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों इक्वली इफेक्टिव हैं और सेफ हैं, कोई भी लगवा सकते हैं। फुल एंड फाइनल का थीम क्या है? थीम यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।